आइए और जानकारी लेते हैं कि आज जो प्रोफेसर्स जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक तरफ कहा जाता है कि भारत निर्माण के अंदर टीचरों का एक अहम योगदान रहता है, जिन्हें गुरु का दर्जा दिया जाता है, कि आज वही गुरु रोड पर आकर ये जो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो हजारों की लाखों की तादाद में यहाँ से जो अधिकारी हैं, मिनिस्टर हैं, यहाँ से गुजरते हैं, जिसको ITU कहा जाता है। और हमारे बीच में एक अधिकारी और आए, हम उनसे जानकारी लेते हैं। सर, आज देश को आज़ादी हुए 70 साल हो गए हैं लगभग, लेकिन आज जो लोगों की विडम्बना है, चाहे सांसद हैं या अधिकारी हैं या एक महामहिम है, कहा जाता है ये दलित अधिकारी है, ये दलित सांसद है और ये दलित राष्ट्रपति है, तो सर इसको आप किस मायने में देखना चाहते हैं? कितने साल हो गए देश को आज़ाद हुए? 70-72 साल हो गए लगभग। हम पहले भी आज़ाद नहीं थे और आज भी आज़ाद नहीं है। 70 साल नहीं, 100 साल हो जाएंगे तो भी हम आज़ाद नहीं है। तो क्या आप लाल किले को आज़ाद मानते हैं? नहीं, आज़ाद इस देश में, ये देश में एक पैक्ट बना था जी, जो 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को, उसमें आपको एक पैक्ट है, आज़ादी नहीं है। नहीं तो आप देख लीजिए, विक्टोरिया का राज आज भी चलता है। और चलता है पर, क्योंकि जब पैक्ट है और ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, आपने देखा होगा, ये अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, ये जो हमारे बहुजन समाज को जो अंग्रेज़ों ने अधिकार दिलाए थे, वो अधिकार और ज़्यादा ना दिला दें, इसलिए इनको अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी पड़ी। और लड़ाई शुरू जो कहते हो 1857 में, कि भाई मंगल पांडे ने लड़ाई लड़ी, मंगल पांडे ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो माता दीन भंगी था लड़ाई में जो युद्ध हुआ, हाँ वो कारण वो था। उसने जब मंगल पांडे ने ये कहा कि भाई तने ये लोटा छू लिया पानी का, उसने कहा मैंने तो ये लोटा ही छुआ है और तुम लोग तो गाय की चर्बी का और सुअर की चर्बी का जो कारतूस बनता है उसको मुँह से छूते हो। बगावत हुई वहाँ से और नाम दे दिया मंगल पांडे को। तो इस तरीके से अगर देश आज़ाद होगा तो हमको तो पता है कि देश आज़ाद, आज की डेट में भी देश आज़ाद नहीं है, ना हमें पूरे अधिकार मिले हैं, हमें पूरे अधिकार भी नहीं मिले हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी थी, और बाद में जैसे अभी आज आरक्षण बात कर रहे हैं, ये आरक्षण नहीं है, ये हमारा प्रतिनिधित्व है। और जो लोग ये लोग कहते हैं कि आरक्षण है, मैं कहता हूँ कि उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है और वो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। ये आरक्षण हमको आरक्षण नहीं था, ये प्रतिनिधित्व था, और ये प्रतिनिधित्व जो था वो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर ये प्रतिनिधित्व दिया गया था। जब तक इनका ये चीज़ें पूरी नहीं हो जाती हैं और जब तक इनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होगा, तब तक इनको ये प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा। गौतम जी, एक जानवर के लिए तो धाराएं बनती हैं, कानून बनते हैं, लेकिन एक दलित समाज को एक जो सुरक्षा कवच था वो भी इन्होंने 21 तारीख को छीन लिया। नहीं नहीं, जानवर की जो देखिए, वो सुरक्षा कवर की जो बात कर रहे हो, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो एक्ट है उसकी बात कर रहे हो, वो एक्ट तो इस देश में अभी तक इम्प्लीमेंट सही तरीके से हुआ ही नहीं। वो एक्ट जो है 1989 का जो बना था उसमें संशोधन होते रहे, और 2013 में तो एक ऑर्डर और निकला 5 जजों का, और उन 5 जजों ने करतार सिंह वाले केस में, 5 जजों ने जो 5 जजों की जो बेंच थी, उन्होंने क्लियर कहा था कि भाई ये जो एक्ट है सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इस देश में सबसे ज़्यादा यही कॉलेजियम जो बात करते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। कॉलेजियम इस देश में भ्रष्टाचार फैला रहा है, कॉलेजियम से इस देश में भाई भतीजावाद पैदा हो रहा है। अगर इस कॉलेजियम को ख़त्म कर दें
तो जज अपनी योग्यता के आधार पर आएंगे। आज हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है अपनी योग्यता पर नहीं आते और न ही उन्हें संविधान के बारे में ABCD पता है। आपने योग्यता की बात की है, एक महेश शर्मा करके हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे शायद हैं, वो कहते थे कि अगर मोर अपना आंसू टपका देता है तो मोर ने उसे ग्रहण कर लेती है, गर्भ धारण हो जाता है। नहीं, वो वकील नहीं थे, वो हाई कोर्ट के जज थे जयपुर में। उन्होंने कहा कि मोर, क्योंकि उनकी जो कथनी और करनी में अंतर है, अब ऐसे जज रहेंगे वो कहेंगे कि मोर मोरनी के आंखों में आंसू टपका दे और बच्चा पैदा हो जाता है, तो उनके यहाँ तो बच्चे ऐसे ही रहे हमेशा, उनके बच्चे हमेशा ऐसे ही रहे, कभी बच्चा कान से पैदा होता है तो कभी हनुमान जी के पसीना से पैदा होता है और कभी गणेश जी के हाथी का सर लगा दिया जाता है, तो उनके यहाँ कहना कोई उनके आसान है, लेकिन साइंस ये कहती है कि इससे कभी बच्चे पैदा नहीं हो सकते। साइंस ये कहती है कि जानवर का सिर आदमी पर कभी लग नहीं सकता, ये सब उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और उस मनगढ़ंत कहानियाँ पर इस देश को चला रहे हैं। सर, 2 अप्रैल का जो धरना प्रदर्शन था, भारत बंद था, उसने पूरे सरकार को हिला दिया, सरकार हिल तो गई, लेकिन उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट में SSP हैं या DM के द्वारा चिन्हित करके लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, वहाँ की बहन बेटियों को जाति सूचक बोलकर पुलिस उनके साथ में अवैध व्यवहार करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात आपने जो कहा कि वो आंदोलन था 2 अप्रैल को, लेकिन वो 2 अप्रैल को जो आंदोलन था वो आंदोलन नहीं था, वो जन आंदोलन था। उस आंदोलन को किसी ने, उसके आंदोलन की कोई रूपरेखा किसी ने नहीं बनाई थी, वो स्वयं सभी लोग स्वयं आए थे, सड़कों पर आए थे और उसने अपने आक्रोश पैदा किया था कि भाई हमारे साथ ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। और ये जो भाजपा ही सरकार है, जहाँ जहाँ भाजपा ही सरकार है उन लोगों को चिन्हित कर रही है, जिन लोगों ने इस जन आंदोलन में भाग लिया था उनको गलत तरीके से पकड़ रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं और उन्हें उल्टे सीधे केसों में फंसा रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी है। इधर मोदी जी कहते हैं कि दलित को मत मारो, मुझे मारो, इधर दलितों को पिटवा रहे हैं, तो उनका वो इशारा था कि इन्हें इतना मारो कि इन्हें अकल आ जाए और 2019 में ये भाई डर जाए और हमें फिर वोट दें। सर, अभी जाड़ोल एक गांव है बुलंदशहर के अंदर, उसमें इस तरीके का अफरा तफरी है और पुलिस जातीय स्तर से जो हैंडीकैप्ड हैं या जिनके पैरों के अंदर सड़ियाँ पड़ी है वो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं हम नहीं थे, उनको भी पुलिस डंडे मार रही है और वो दौड़ा दौड़ा के क्योंकि वहाँ से गांव से पलायन कर रहे हैं लोग। नहीं, जो बात आप बुलंदशहर में जाड़ोल की गाँव की बात कर रहे हैं, अब पुलिस आपने देखा होगा 2 तारीख का जन आंदोलन, इसमें कोई वो नहीं था। मेरे पास BCO वीडियो क्लिप है जिसमें पुलिस वाले गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले जो बाबा साहब की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं उनको पिटाई कर रहे हैं या उनके साथ पिटाई करवा रहे हैं, या जो आतंकवादी लोग थे धरना प्रदर्शन में गोली चला रहे हैं, ये सब पुलिस की देन है। ये चाहे ग्वालियर का केस हो, चाहे मुरैना का केस हो, चाहे दिल्ली का केस हो, चाहे UP का केस हो, ये सारी पुलिस वालों की देन है। पुलिस वालों ने इसमें ढील दी थी और हमारे जो जन आंदोलनकारी लोग थे उनके साथ इन्होंने जानबूझकर इस तरीके के षड्यंत्र रचकर ये गलत काम कराया था। सर, ये झूठी FIR हो रही हैं और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कोई भी कुछ बोल के राजी नहीं है। देखिए, जो संसद के जो सांसद हैं वो तो आपके नहीं हैं, वो उन पार्टियों के हैं और उन पार्टियों के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आज जो बात कर रहे हो, आपने सुना होगा कि 4 सांसद चले गए, इनको 4 सांसद चले गए ज़रूर हैं, लेकिन इन्होंने उनको स्टैंप दे दी कि वो उन्हीं दूसरी पार्टियों में से आए थे इसलिए वो बोल रहे हैं, लेकिन वो कहीं हद तक सच बोल रहे हैं और कहीं हद तक गलत भी बोल रहे हैं। मैं एक जैसे
आप बात करो ज्योतिबा सॉरी सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले क्योंकि वो बुद्धिस्ट हैं, बाबा साहब की आर्कियोलॉजी पे वो बात करती हैं, बाबा साहब का मिशन चलाती हैं, इसलिए उनको मैं मान सकता हूँ। बाकी आप यशवंत सिंह की और इनकी जो बात कर रहे हो, ये वो लोग हैं, इन्होंने कभी बाबा साहब के नाम से या कभी ऐसी बातों पर कभी आगे आकर इन्होंने कभी कुछ दो शब्द नहीं बोले। आज जब इनको अपनी सीट का वो हो रहा है तो जब जाने का खतरा हो रहा है, इसीलिए ये वहाँ बोल रहे हैं। नहीं तो अगर एमपी आपके हैं तो वो रिजाइन क्यों नहीं देते। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इसी सरकार में मात्र 40 सांसद कांग्रेस के वो पार्लियामेंट नहीं चलने देते, तो हमें तो दुख होता है और इतना दुख होता है कि ये तो 131 सांसद हैं और आरक्षण की वजह से इनको जीत गया है, जबकि इनको आरक्षण तो मात्र 10 साल के लिए दिया गया था और इनको बार बार रिव्यू 10 साल के बाद रिव्यू कर रहे हैं। अगर इनका आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो इनमें से एक सांसद जीत के नहीं आ सकता। बहुत अच्छी बात।